हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए तीन ऐसे टैबलेट लाया हूं जो 20,000 से 30,000 रुपए के अंडर में अमेजोन पर मिल जाएंगे। अगर आप कोई बेस्ट टैबलेट ढूंढ रहे हो जो कैमरा, प्रोसेसर और गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि मैं इस वीडियो में तीन ऐसे टैबलेट बताऊंगा जिनके फीचर सुनकर आप इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। अब चलते हैं 20,000 से 30,000 रुपए के अंडर में आने वाले तीन टैबलेट, जिनमें थर्ड नंबर पर आता है Lenovo Tab P11+। 6GB रैम, 128GB रोम के साथ आने वाला ये टैब सुपर है। 13 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो फेस अनलॉक का सिस्टम भी है, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इस टैब की डिस्प्ले की बात करें तो 11 इंच की 2K IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो आईस प्रोटेक्ट सर्टिफाइड है, और इसकी बैटरी 7700 mAh की बैटरी मिलती है, जो 15 घंटे प्लेबैक टाइमिंग देगा। आप ये सोच रहे होंगे इस टैब का प्राइस कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं इस टैब का प्राइस 23,999 रुपए का है। नंबर 2 पर आता है Realme Pad X 5G। 6GB रैम, 128GB रोम के साथ आने वाला ये टैब सही है। इसका प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर है, जो गेमिंग के लिए परफेक्ट है। डिस्प्ले की बात करें तो 10.95 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है। कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का रियल कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, और ये एंड्रॉइड 12 है। अब इसकी बैटरी की बात करें तो 8340 mAh की मिलती है, जो 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग देगा। इस टैब का प्राइस 27,999 रुपए का है। नंबर 1 पर आता है Xiaomi Mi Pad 5। इसका प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 860 ऑक्टाकोर है। 6GB रैम, 128GB रोम के साथ आने वाला ये टैब बिल्कुल सही है। 10.95 इंच की Dolby Vision डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट DIC P3 करता है। इस टैब का रियल कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, जो 4K रिकॉर्डिंग देगा। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, और ये एंड्रॉइड 11 है। इसकी बैटरी की बात करें तो 8720 mAh की मिलती है, और इसका प्राइस 24,999 रुपए का है। आई होप आपको इनमें से कोई एक जरूर टैबलेट पसंद आया होगा। अगर आपको इनमें से कोई सा भी टैबलेट पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।